हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 21 जनवरी 2021। 21 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की है। जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट का पार्ट अभी चल रहा है, जिसमें कि हमने 6 लेक्चर्स बना लिए ऑलरेडी। धीरे धीरे सारा कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट में और डेमो वीडियो भी अपलोडेड है, तो जिसको ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो, तो नीचे से वो ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द थिंग फॉर यू, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सी सैट कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट आज के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन आर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्वेश्चन आर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग, ठीक है ना। अब आपको बताना है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। तीसरा है एन अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। देन तीसरा डी स्टेटमेंट कह रहा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 10 डेज एंड इट इज आंसर्ड ओरली। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन आर के रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए बी सी डी में जो भी सही है वो आप इसका आंसर बताइएगा। अगला जो सवाल है वो है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स विच आर बेस्ड ऑन स्किल बेस्ड इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म वॉज अकॉर्डेड प्रोटेक्शन बाय वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फैंटेसी ऑनलाइन स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया था किसके अंतर्गत, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, देन राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, equality of opportunity in matters of public employment and right to practice any profession or carry any occupation, trade or business. This is question number 2. Question number 3 अगर देखें तो वो है डारफूर प्रोविंस। आपको बताना है इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली फॉर क्लैशेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अरब रिजिगत ट्राइब एंड द नॉन अरब मसिलित ट्राइब इज लोकेटेड इन। तो डारफर प्रोविंस इनमें से कहाँ लोकेटेड है, ऑप्शन आपके सामने है इसराइल, सूडान, यमन या सऊदी अरेबिया, करेक्ट आंसर बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज के रिगार्डिंग आपको बताना है, स्टेटमेंट दिया है इट इज अ फंगल डिसीज ऑफ कैटल दैट इज स्प्रेड बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स। दूसरा है ह्यूमंस आर नॉट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द लंपी स्किन डिसीज इवन इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, वन ओनली टू ओनली बोथ या नन। दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है ना। ये 4 तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन मेंस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज डू राइट द आंसर फॉर दैट और मुझे पॉइंट जरूर बताइएगा। अगर आप बता रहे हैं तो दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो सवाल है मेंस का, क्रिटिकली एनालाइज द रीसेंट सजेशन गिवन बाय कमल हसन टू अटैच अ मॉनिटरी अमाउंट फॉर द वुमेन्स हाउस होल्ड वर्क। तो जो वुमेन का हाउस होल्ड वर्क है उसके लिए कमल हसन ने कहा है कि उनको वॉट इज द प्रो एंड कॉन ऑफ दिस सजेशन, क्रिटिकली एनालाइज दिस सजेशन ऑफ कमल हसन, आप बताइएगा, ठीक है ना। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड, जो मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन आर का पहला सवाल था, मैंने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो डी सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है होते हैं उसमें 10 दिन का नोटिस एंड ओरल आंसर उसमें लगता है। ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट का आंसर बहुत आसान था, डी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। फिर तीसरा मैंने पूछा था डारफर प्रोविंस कहाँ पर, तो ये सूडान में है, डारफर प्रोविंस आपका सूडान में है। एंड चौथा मैंने पूछा था आपसे कि लंपी स्किन डिसीज के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा बी, पहला गलत है, ठीक है ना। एंड पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर होगा बी यानी कि 2 ओनली, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट, पहले न्यूज एनालिसिस देखते हैं। अब कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि इंडिया जो है वो वैक्सीन्स भेजेगा दूसरी कंट्रीज में, तो याद रखेगा कि जो टर्म यूज़ हुआ है फॉर दिस दैट इज़ वैक्सीन मैत्री। इसका टर्म का क्या यूज़ किया जा रहा है, वैक्सीन मैत्री, मतलब कि फ्रेंडशिप थ्रू वैक्सीनेशन। तो अब कंट्रीज में जैसे कि म्यांमार हो गई या श्रीलंका हो गई या नेपाल, बांग्लादेश, सीशेल्स हो गया, इन सब कंट्रीज को हम वैक्सीन भेजेंगे एज सून एज वी गेट द रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम देयर। देन इसके अलावा भूटान में और माले में, मालदीव्स में तो हमने भेज भी दी है ना, फर्स्ट असाइनमेंट कंसाइनमेंट हमने वहाँ पे भेज भी दिया है। तो दैट इज़ वैक्सीन मैत्री।
दूसरी जो न्यूज है वो है डीसीब के रिगार्डिंग. व्हाट इज दिस डीसीब? तो डीसीब का मतलब होता है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, दीज आर द डीसीब बैंक्स. अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन बैंक्स को डीसीब का दर्जा दिया है. द फर्स्ट इज SBI ऑफ कोर्स, सेकंड इज ICICI एंड थर्ड इज HDFC बैंक. तो ये तो तीन बैंक है, इनको डीसीब बैंक, यानी कि ये जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड ये जो होते हैं आपके बैंक, ये टू बिग टू फेल के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. दीज आर टू बिग टू फेल, TBTF, यानी कि टू बिग टू फेल, मतलब ये इतने बड़े होते हैं कि अगर ये फेल कर गए तो आपकी इकोनॉमी ऊपर से नीचे हो जाएगी ना. दिस इज द जनरल कंसिडरेशन व्हेन वी आर कंसिडरिंग द डीसीप्स, है ना. याद रखिएगा, इंडिया में तीन बैंक्स जो मैंने बताया, ICICI, SBI एंड HDFC, दीज आर द डीसीप बैंक्स, इंपॉर्टेंट है. अगली जो न्यूज है वो है बाइलेट्रल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21. तो अब एक डेजर्ट नाइट 21 नाम की बाइलेट्रल एयर एक्सरसाइज की गई है एयर फोर्सेस के बीच में. और कौन कौन सी एयर फोर्सेस है वहां पे? इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स के बीच में यहाँ ये किया गया है. तो डेजर्ट नाइट करके जो एक्सरसाइज है वो दो एयर फोर्सेस के बीच में है. कौन सी दो एयर फोर्सेस? इंडिया एंड आपकी इंडिया एंड इसके अलावा फ्रेंच जो एयर फोर्स है उसके बीच में किया गया. सो दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. अगली न्यूज फ्रंट पेज से है, बाइडेन स्वॉर्न इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप. तो जो बाइडेन जो है उन्होंने मैसेज दिया है मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप का. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. देन कमला हैरिस बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US. कमला हैरिस जो है शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड जो बाइडेन बिकेम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो, जो बाइडेन अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए मास्क और वो लगाए हैं और कमला हैरिस ने लगाया है ना, बाकी सब ने लगाया. तो कमला हैरिस को थोड़ा तो उसके लिए वो कहना चाहिए कि कम से कम मास्क तो लगा लो, है ना, एज इतनी कम भी नहीं है, ठीक है ना. तो US क्या यहाँ पे ये रखना है, थोड़ा फैक्ट याद रखना 46th प्रेसिडेंट वाला. इन अ थॉ सेंटर ऑफर्स टू पुट ऑफ फार्म रिफॉर्म्स फॉर 18. मतलब सेंटर ने ये दिया है कि अब 18 महीने तक वो फार्म लॉज पे स्टे लगा दिया है. सेंटर ने खुद ने ही 18 महीनों के लिए, ईयर एंड हाफ के लिए स्टे लगा दिया है. और ये कहा है कि नाउ दे विल स्टडी इट इंटरनली उसकी स्टडी की जाएगी और उसके बाद दोबारा ऐसे हम वो कुछ नए फॉर्म में उसको लेकर के आएंगे. सो बेसिकली जो कहना चाहिए कि जो कंसेंसस नहीं बैठ पा रहा था फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, वो थोड़ा थोड़ा बैठने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन ऑफ द लॉ फॉर 1.5 ईयर, है ना. 1.5 ईयर्स के लिए सस्पेंड किया गया है जो उसके कारण. लेट द पुलिस डिसाइड ऑन द परेड CJI. तो ये जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ट्रैक्टर रैली होगी रिपब्लिक डे में, जिसके लिए फार्मर्स ने कहा है, इस पे डिसीजन जो है वो पुलिस को लेना ठीक रहेगा. पुलिस शुड डिसाइड वेदर इट्स, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. यहाँ पर वो इंटरव्यू नहीं करेंगे, ना ही वो स्टॉप करेंगे फार्मर्स को टू डू दैट रैली, क्योंकि कोई वायलेंस जैसी सिचुएशन उन्होंने नहीं बोली. उन्होंने बस कहा है कि वो एक रैली करेंगे, एक परेड करेंगे, है ना. सो दे कैन नॉट स्टॉप दैट एज वेल. लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि सिंस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहां पे जियोपार्टाइज हो सकती है, इस कारण से जो सही डिसीजन लेना होगा वो पुलिस को लेना होगा. पुलिस विल डिसाइड वेदर दे विल अलाउ इट और नॉट. अगली जो न्यूज है फ्रंट पेज की वो है कर्नाटका टॉप्स इन द इनोवेशन शोज इंडेक्स. तो इनोवेशन इंडेक्स जो होता है आपका, कौन निकालता है? पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो निकालता है नीति आयोग. तो सबसे पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता कौन है? कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है. ना उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी आई है? कर्नाटका हैज रिटेन्ड इट्स लीडरशिप पोजिशन इन दैट मेजर स्टेट कैटेगरी. मेजर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका ने लीडरशिप रोल रखा. और जो सेकंड एडिशन था, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा एडिशन था जो कि रिलीज हुआ है, उसमें भी कर्नाटका ने टॉप पोजीशन बरकरार रखी है. पहले में भी उन्होंने ही बरकरार रखी थी, सेकंड में भी उन्होंने ही रखी है. नाउ इस बार कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र है और उसने तमिलनाडु को पीछे कर दिया. तो पिछले साल तमिलनाडु सेकंड पे था, जो पिछला इंडेक्स आया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उसमें तमिलनाडु था, लेकिन इस बार जो सेकंड पोजीशन मिली है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में वो महाराष्ट्र को मिली है, जिसने कि तमिलनाडु को पीछे किया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार की जो टॉप 3 रैंक्स हैं किसके किसको मिली है? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है ना. तो इस साल की रैंकिंग याद रखिएगा, टॉप 3 कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. फिर दूसरे जो स्टेट्स हैं टॉप 10 में, वो तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. बाकी के जो 7 स्टेट्स हैं टॉप 10 के, वो हैं तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश,
गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार स्कोर्ड द लोएस्ट ऑन द इंडेक्स। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जो था देवर इन द बॉटम कैटेगरी इन द मेजर स्टेट्स। तो मेजर स्टेट्स की बॉटम कैटेगरी में थे ये, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर, इसको याद रखिएगा। एंड कर्नाटका को बहुत एडवांटेज है वहाँ पे, एक तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, और आप सबको पता होना चाहिए कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा हब है कहना चाहिए, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे इनोवेशन कैपेबिलिटीज स्टेट्स की काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये भी आपको कुछ याद रखना जरूरी है। आगे मूव करते हैं, राशन फ्रॉम आंगनवाड़ीज रीच 85% फ्रॉम आंगनवाड़ीज रीच 85% बेनिफिशरीज। तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ था दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि DCPCR, दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किया था सर्वे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन फ्रॉम आंगनवाड़ीज, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन होता है आंगनवाड़ी से, उसमें उन्होंने देखा कि इट रीज 85% बेनिफिशरीज हैव रिसीव्ड देयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर दिस मंथ, ठीक है ना। तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय होता था लगभग 40-41% ही हुआ था सही डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस बार जो आंगनवाड़ी से ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नियरली 85% है। तो मई 2020 से लेकर के अभी तक में लगभग 44% का जंप देखने को मिला है। तो दिस इज अ गुड थिंग, है ना, कि सही बेनिफिशरीज को सही चीजें मिल रही हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आगे मूव करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स मस्ट गेट ऑथराइजेशन। एनजीटी ने अब सीपीसीबी से ये कहा है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स जो हैं उनके लिए पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, है ना। जो फैसिलिटीज है उनको लेना पड़ेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऑथराइजेशन। दूसरी चीज, सीपीसीबी को यह कहा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए रूल बनाए गए थे, एक्चुअली बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, 2016 में बनाए गए थे, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 में बनाए गए थे, एंड उनके लिए सीपीसीबी को कहा है कि जो साइट्स हैं जो मेंटेन कर रहे हैं, जो वहाँ पे कचरा डाल रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उनको ये मेक श्योर करें कि ये बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आधा मत बताइए, बायोमेडिकल वेस्ट रूल क्या है ये बताइए, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के, तो मैं बता देता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज़। तो रिसर्च एक्टिविटी या इम्यूनाइजेशन के टाइम पे कोई भी वेस्ट या तो जनरेट हो रहा हो, या डायग्नोसिस के टाइम पे कोई वेस्ट जनरेट हो रहा हो, या ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई वेस्ट जनरेट हो रहा हो, तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो रूल्स क्या बोलते हैं, दैट इट मस्ट बी स्टोर्ड इन वेंटिलेटेड एंड सिक्योर लोकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट इन कलर्ड बैग्स। तो कलर्ड बैग्स कंटेनर में सेग्रीगेटेड फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी डिस्पोज अलॉन्ग विद द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उनको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के साथ डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। देन लिक्विड केमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स, मतलब कि देखो लिक्विड जो केमिकल वेस्ट है, दे शुड बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स एंड प्री ट्रीटेड और न्यूट्रलाइज्ड प्रायर टू मिक्सिंग विद द एफ्लुएंट जनरेटेड फ्रॉम द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो एफ्लुएंट जनरेट हो रहा है उसके में मिलाने से पहले लिक्विड वेस्ट को आपको ट्रीट करना जरूरी है सोर्स पे ही, और उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। देन लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स, ब्लड बैग्स, they should be pre-treated on site as prescribed by WHO or NACO guidelines before being sent to the final disposal. तो WHO और NACO की जो guidelines हैं उनके हिसाब से जो blood bags हो गए, blood samples हो गए, laboratory waste हो गया, microbiological waste हो गया, इन सबको treat करना ज़रूरी है before releasing to the site. देन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज शुड कलेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट ऑन हॉलीडेज ऑल्सो। तो जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करनी चाहिए हॉलीडेज के दिन भी, ये भी एक कंप्लायंस फॉलो करना है। देन अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट शैल नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड 48 आवर्स। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट,
या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट या सॉलिड सॉइल्ड वेस्ट विद एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, 48 घंटे से ज़्यादा इनको स्टोर करना नहीं चाहिए अगर ये अनट्रीटेड है, यानी कि इसके इसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है तो फिर इसको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना चाहिए 48 घंटे से ज़्यादा। तो ये थे बायोमेडिकल वेस्ट और उनके रूल्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है। अब हम एडिटोरियल सेक्शन में, पहला जो एडिटोरियल है वो है रिमूविंग द क्रीजेस इन हाउस वर्क वैल्यूएशन। अब ये फैजान मुस्तफा द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल रिगार्डिंग द विमेन ओनली, जो कि जिसके ऊपर आज मैंने मेंस का क्वेश्चन भी पूछा आपसे। अब ऑथर पहली चीज बोलते हैं कि हमारे कंट्री में विमेन को हम बोलते हैं गॉडेस, वी कॉल यत्र नार्यंत्र पूज्यंते, है ना, बोलते हैं यत्र नार्यस्त्र पूज्यंते रमंते तत्र देवता, हम बोलते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है, निवास होता है, हम ये सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसे ऑर्डिनेंस आते हैं जिसमें आपने महिलाओं को यू हैवंट गिवन देम राइट टू चूज इवन देयर स्पाउसेस, ये तो चलो एक लेजिस्लेशन वाली बात होगी कि ऑर्डिनेंस के साथ आपने मना कर दिया, लेकिन कई स्टेट्स में तो अगर मतलब कि अपने ही कैटेगरी में अपने ही उसमें अगर कोई करना चाहे तो उसमें को भी उस वहां पे भी लव मैरिज अलाउड नहीं है आज भी, है ना, उस वहां पे भी ये सारी चीजें हैं। अगली अगर चीज़ देखें तो वेटरन एक्टर कमल हसन ने रिसेंटली अपनी जो पार्टी है मक्कल निधि मयम पार्टी, उसमें उन्होंने ये बोला कि सैलरी होनी चाहिए हाउसवाइफ्स की भी, देयर शुड बी अ प्रॉपर सैलरी ऑफ द हाउसवाइफ, ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, देयरफॉर द डिबेट हैज बीन रिवाइव्ड, तो जो डिबेट है वो काफ़ी दोबारा से रिवाइव हो चुकी है। नाउ यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन वुमेन शी स्पेंड्स नियरली 299 मिनट्स, 300 मिनट अगर हम इसको माने तो अगर 6 से 60 से डिवाइड करें तो मतलब 5 घंटे 5 आवर्स मिनिमम एक डे का अनपेड डोमेस्टिक सर्विस करती है एक हाउसहोल्ड जो वुमेन है, और मेन जो है दे स्पेंड जस्ट 97 मिनट्स, मेन जो है केवल 97 मिनट्स करते हैं, मतलब कि मेन केवल 1.5 घंटा करते हैं और वहीं फीमेल 5 घंटे करती रहती है वो काम, ठीक है ना। इसके अलावा अब इन 5 घंटे के अलावा विमेन ऑल्सो स्पेंड्स 134 मिनट्स, ये एक्स्ट्रा भी है 134 मिनट्स, मतलब कि 2.5 आवर्स के आसपास जो टाइम है शी स्पेंड्स ऑन द केयर गिविंग सर्विसेज फॉर द हाउस होल्ड में, मतलब कि 7.5 घंटे अगर एक विमेन का देखा जाए तो हाउस होल्ड के अनपेड और केयर गिविंग वर्क्स में जाते हैं, वहीं एक मेल का केवल 1.5 घंटा जाता है। सो देयर वॉज अनदर केस स्टडी इन 2009 जिसने कि एस्टिमेट किया था कि अगर सारे डोमेस्टिक वर्क का हम इवेल्युएशन करें मॉनेटरी टर्म्स में दैट विल कम टू नियरली $612.8 बिलियन एनुअली, एनुअली 612.8 बिलियन आता है। दिस वॉज इन द केस स्टडी ऑफ इंडिया 2009, इट वॉज एस्टिमेटेड रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस भी हुए, जैसे कि अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2010 में सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली एक्नॉलेज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउसवाइफ्स, ना केवल उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाउसवाइफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बट ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका काम है इसको आप मनी टर्म में तो कंप्यूट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इतना वैल्यूएबल काम है वो, है ना। सो दैट इज अनदर थिंग विच वॉज देयर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि सेंसस 2001 में एक जो नेगेटिव भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, सेंसस 2001 में जब हुआ तो पार्लियामेंट ने जो विमेन का हाउसहोल्ड वर्क था इट वाज इक्वेटेड टू अ मतलब कि नॉन मॉनिटरी एम्प्लॉयमेंट के रूप में उन्होंने किया था, और इस कैटेगरी में और कौन आ रहा था, नॉन अनप्रोडक्टिव वर्क, मतलब बोलते हैं इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव वर्क, इसके अंतर्गत बेगर्स थे, प्रोस्टिट्यूट्स थे, प्रिजनर्स थे, मतलब कि हाउस होल्ड वर्क की ये इज्जत रखी गई थी 2001 में कि वो बेगर्स प्रोस्टिट्यूट्स एंड प्रिजनर्स के कैटेगरी में था, इट वॉज सो मच, मतलब कि इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव वर्क बोला गया, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव वर्क। अब ऑथर ने यहाँ पे पूरे ओवरऑल कंट्रीज का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि 1851 तक तो किसी भी कंट्री में हाउस वाइफ्स का वर्क नहीं था, मतलब कि अर्निंग तो छोड़ो, अर्निंग तो उनको हो ही नहीं रही थी, उनका ये प्रोडक्टिव ही नहीं था कि वो वेज का काम कर सके, मतलब कि अर्निंग तो नहीं हो रही थी पर उनके पास ऐसा राइट ही नहीं था कि वो कोई भी वेज वाला काम कर सके। वो माना जाता था कि देर आर टू सेपरेट प्लेसेस, देखो मैं आपको बताता हूँ, देर वर टू सेपरेट प्लेसेस कंसिडर्ड, एक था घर, दूसरा था मार्केट। मार्केट वॉज कंसिडर्ड एज द मोनोपोली ऑफ द मेल, हाउस होल्ड वॉज कंसिडर्ड द मतलब मोनोपोली ऑफ द वुमेन। तो ये माना जाता था कि मार्केट और हाउस होल्ड डिफरेंट है, घर के काम करेंगी महिलाएं, बाहर के काम करेंगे मेल, तो दिस वॉज द थिंग, ठीक है ना।
फिर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी सम ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स दे स्टार्टेड रिफॉर्मिंग द कॉमन लॉ फॉर मैरिटल स्टेटस बाय इनएक्टिंग द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एट, तो फिर अमेरिका से शुरुआत हुई इसकी, है ना। एंड सब्सिक्वेंटली और ज्यादा यहाँ पे वही वजह माना था कि सेपरेट स्फीयर माना जाता था। सब्सिक्वेंटली वुमेन ऑल्सो डिमांडेड स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स, वुमेन ने भी डिमांड करना शुरू किया और 1851 में वॉरसेस्टर कन्वेंशन हुआ था। देयर वॉज अ वॉरसेस्टर कन्वेंशन। वॉरसेस्टर कन्वेंशन कहाँ हुआ? 1851 में हुआ। एंड सिंस द इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड इज जनरली एज मच एज द सोर्स ऑफ फैमिली वेल्थ, तो वहां पे उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। फिर वॉरसेस्टर कन्वेंशन में ये हुआ कि वुमेन के पास इक्वल राइट है कि अपने हस्बैंड की इनकम को खर्च करें। दूसरी चीज, अगर उसकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की तो उसकी पूरी इनकम पे फिर वुमेन का हक भी रहता है। दिस इज अनदर थिंग विच वॉज देयर एट द वॉरसेस्टर कन्वेंशन 1851। इसके बाद जो थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में 1972 में, थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली डिमांडेड पेमेंट फॉर वेजेस फॉर द हाउस होल्ड वर्क। तो 1972 में थर्ड नेशनल वुमेन्स लिबरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब पहली बार वुमेन ने अनपेड हाउस होल्ड वर्क के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैसा यानी मांगना शुरू किया था। उन्होंने बोला कि भाई हमको पैसे दो आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया था वीना वर्मा द्वारा इंडिया में एक बिल, प्राइवेट मेंबर बिल था 1994 में, जिसको बोलते हैं द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 1994, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 1994। और इसमें वुमेन को इक्वल राइट वही देने की बात की गई थी, तो ये तो नहीं हो पाया, लेकिन 2010 में ये भी नहीं हो पाया। और 2010 में एक नेशनल हाउस वाइफ्स एसोसिएशन ट्रेड यूनियन बन रहा था, नेशनल हाउस वाइफ्स एसोसिएशन को एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए भी परमिशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि ना ही डोमेस्टिक वर्क ट्रेड में आता है ना ही इंडस्ट्री में आता है। मतलब सोचो कि उनको एक यूनियन बनाने तक की परमिशन नहीं दी गई, ट्रेड यूनियन नेशनल हाउस वाइफ्स एसोसिएशन 2010 में बनने वाला था, वो भी नहीं दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट जो थी 2012 में, उसने ये कहा कि हस्बैंड्स विल पे अ सैलरी टू द वाइफ्स, एक सैलरी भी देनी पड़ेगी उनको अपनी वाइफ्स को, क्योंकि जो घर का काम वो करती हैं। और एक कार्टून भी उन्होंने बताया कि बनाया गया था जिसमें कि हस्बैंड कह रहा था कि हेयर इज योर सैलरी फॉर द मंथ, हाउ एवर 3355 रुपीज हैव बीन डिडक्टेड एज यू वर इन योर पेरेंट्स होम फॉर अ वीक। तो ये कार्टून उसमें बना था, तो ये इसने भी थोड़ा पिच किया था वाइफ्स के लिए कि उनको भी एक हक है, एक इनकम का हक है, ऐसा नहीं कि उनका काम बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है। यहाँ पे ऑथर कह रहा है वाइफ डू नॉट डिजर्व अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, है ना। देर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ टू इक्वल्स, इट शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ टू इक्वल्स। मेरे हिसाब से तो इक्वल भी नहीं, वुमेन को ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? ज्यादा वैल्यूएबल काम करती हैं, जो पेन और जो काम वो दोनों करती हैं, दैट इज अनबियरेबल फॉर अ मेल। मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो इट इज अनबियरेबल फॉर एनी मैन। मतलब अगर आपको, अगर कोई मेल है उसको फीमेल की जगह रख दिया जाए तो ही वॉन्ट इवन बी एबल टू सर्वाइव, है ना। तो जो वुमेन करती हैं, तो दिस इज हैट्स ऑफ टू देम, है ना। नो वन कैन कम्पीट, नो वन कैन कम्पेयर दैट थिंग। तो ये तो बिल्कुल कहना ही चाहिए कि इक्वल रिलेशनशिप, इक्वल से भी ज़्यादा है, इसीलिए उसको बेटर हाफ कहा जाता है। जो वाइफ होती है दैट शी इज़ नोन एज द बेटर हाफ, दो हाफ्स में बेटर वन इज द वाइफ, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यही चीज़ें हैं। ऑथर ने फिर बोली कि दिस नीड्स अ सीरियस रीथिंकिंग, इसमें सीरियस रीथिंकिंग की ज़रूरत है ना। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि दो साल पहले गवर्नमेंट ने बोला कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन आज तक पहले तो वो चीज़ नहीं हुई है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ सप्लाई है वो भी पुअर है। तो अब इशूज़ लिखते जाओ। पहला तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, ये पहला इशू है। दूसरा इशू ऑफ द सप्लाई क्वालिटी, सप्लाई क्वालिटी का इशू है। आज भी जो स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है, वो रेगुलर्स नहीं, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। प्लस दूसरी चीज, जैसे गांवों में आज भी 10 घंटे 20 घंटे तक ही बिजली आती है, पूरे 24 घंटे नहीं आती है, ठीक है ना। कई जगहों पे बिजली ही नहीं है। तो पहला इशू था कि कई जगहों पे बिजली नहीं है, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा है क्वालिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि एक तो प्रॉपर नहीं है, कहीं वोल्टेज डिम है, कहीं ये है वो चीजें हैं, है ना। अब ऑथर ने कहा कि ये देखो, रूल्स तो बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी बनाए गए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ द कंज्यूमर रूल्स 2020, है ना, दिसंबर में प्रोमल्गेट किए गए थे। तो
यहाँ पे ऑथर ने कहा कि रूल्स तो बनाए गए हैं बट रूल्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, और वहां पे बात जो इशू है वो रूल्स की नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑथर ने कि यहाँ रूल्स का इशू नहीं है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी की कमी है। देखो लिखा है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस दैट क्वालिटी सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, रादर इट इज द अकाउंटेबिलिटी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट इज कॉजिंग द मेजर प्रॉब्लम। ज्यादा प्रॉब्लम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कारण आ रही है, दैट इज द थिंग व्हाई इट इज नॉट बीइंग इन्फोर्स्ड, ठीक है ना। Now, guarantee of round the clock supply is a provision that the rules emphasize, which might be missing in the state regulations. But there are doubts on the efficacy of automatic compensation payment. अब देखो यहाँ पर क्या है, एक issue, एक तीसरा जो issue है वो ये है, automatic compensation की बात करते हैं। ऑटोमेटिक कंपनसेशन आपने बोला कि कंज्यूमर्स को दिया जाएगा, अगर उनको क्वालिटी सप्लाई नहीं मिलेगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक कंपनसेशन के लिए आपको पहले तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना प्रॉपर, कि कब आपकी पावर क्वालिटी पुअर स्टैंडर्ड की थी। आपको 100% जब आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तब तो आप करोगे, अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो यहाँ पे लिखा है हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर हाउ द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं फेलियर ऑफ पावर को, आपका कौन सा मैन पावर इन्वॉल्व है जो कि ये सारी चीजें चेक कर रहा है। तो ये सारी इश्यूज जो हैं ऑथर ने इनको रेस किया है, एंड सच कंपनसेशन विल रिक्वायर सीरियस कमिटमेंट। ऑथर ने कहा है कि ये जो कंपनसेशन है दे विल रिक्वायर सीरियस कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स रूरल एरियाज रिसीव्ड अबाउट 20 आवर्स ऑफ सप्लाई इन अगस्त 2020, है ना। तो रूरल एरियाज जो थे उनको 20 घंटे की ही सप्लाई मिली। देखो इसमें भी 4 घंटे की सप्लाई का ना मिलना भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमैटिक है ना। आजकल के टाइम में एक घंटे की भी, एक 10 मिनट की इलेक्ट्रिसिटी का नहीं जाना चाहिए, है ना, 21st सेंचुरी में। बट वही है कि इसमें अगर हम कंपनसेशन देखते इसी का तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आता, अगर आप कंपनसेशन देते तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आता। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे जो कंपनसेशन दिया गया केवल लैक्स के अमाउंट में ही दिया गया पूरे, तो मतलब कितना बड़ा मिसमैच है कि जहां पे करोड़ जाने चाहिए कंपनसेशन में वहां पे लैक्स पे किए गए। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग ही नहीं की, आपको यही नहीं पता कि कब मतलब पावर आउटेज हुआ भी, कब उनको पुअर क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई हुई। तो ये सारी चीज़ें पता होना भी तो ज़रूरी है ना, तब तो आप कंपनसेट कर पाओगे। तो ये दूसरा इशू है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ऑथर ने ये भी कहा कि रूल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, रूल्स जो है वो एक्चुअली में वीक कर रहे हैं प्रोविजंस को। कैसे? जैसे कि ऑथर ने कहा कि रूल्स में ये कहा गया है कि जो फॉल्टी मीटर है दे शुड बी टेस्टेड विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द कंप्लेंट। रूल्स कहते हैं कि अगर फॉल्टी मीटर की कंप्लेंट आती है तो 30 दिन के अंदर उनको सही करना है। अगर इसी को हम कंपेयर करें जो स्टेट्स में रेगुलेशन है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2004, 2007 और 2012 में आया था रूल, उसने कहा था कि फॉल्टी मीटर की टेस्टिंग 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। तो स्टेट्स के जो खुद के लॉ हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं ऑन दिस फ्रंट, कि वो कहते हैं कि 7 दिन में मीटर ठीक करो और चेक करो। वहीं पे आपका रूल कहता है कि 30 दिन में मीटर ठीक करो चेक करो। दूसरी चीज अगर देखो तो यहां पे एक और चीज है, रूल्स ने कहा है कि एक फोरम बनेगा जिसमें कि रेमेडी कंप्लेंट होगी, मतलब फोरम बनाएगा जहां पे कंप्लेंट की रेमेडी की जाएगी और डिस्कॉम्स किए जाएंगे। तो वहां पे जो रूल्स कहते हैं कि एक कमेटी को हेड कौन करेगा, सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब डिस्कॉम कंपनी का सीनियर ऑफिसर उसको हेड करेगा। तो ये तो रिग्रेसिव स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का ही सीनियर ऑफिसर उसको हेड करेगा तो कभी कंपनी के अगेंस्ट में रूल वो फेवर अगेंस्ट में डिसीजन ही नहीं देखा, वो हमेशा कंज्यूमर के अगेंस्ट में डिसीजन देखा। वहीं पे अगर स्टेट्स के लॉ हम देखें, महाराष्ट्र स्टेट का लॉ देखें, तेलंगाना का देखें, बिहार का देखें, तो उन्होंने ये कहा है कि सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होगा जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, दैट विल बी द चेयरपर्सन। तो एक जो लॉ है वो ज्यादा बेहतर बने थे स्टेट्स में, वहीं पे रूल जब बना दिया गया तो दैट वाज अगेन मच अगेंस्ट दैट। वहीं पे एक और रूल में प्रॉब्लम है, इट इज नॉट फॉरवर्ड लुकिंग। जैसे कि यहां पे देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करो, तो यहां पे दे गारंटी नेट मीटरिंग फॉर अ रूफ टॉप सोलर रूफ टॉप यूनिट लेस देन 10 kW, बट देयर इज नो क्लैरिटी इफ दोज अबव 10 kW कैन अवेल नेट मीटरिंग और नॉट। तो यह रूल्स में बोला गया 10 kW से कम के लिए तो उन्होंने नेट मीटरिंग का बता दिया है, लेकिन 10 kW से ऊपर के लिए नेट मीटरिंग का कुछ भी नहीं बताया है। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो कि 10 kW से ऊपर की नेट मीटरिंग कराना चाहते हैं फॉर द सोलर रूफटॉप, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको यही क्लैरिटी नहीं कि होगा भी कि नहीं होगी। तो एक कमिटमेंट की जरूरत है
सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाए, है ना। एंड इसमें SERC जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशंस हैं, दे कैन फॉर्म SOP, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और SOP रिपोर्ट्स, मतलब कि ये चीज़ें उन्होंने बनानी चाहिए। एंड वो डिस्कॉम्स को इन्फॉर्म करें कि उनको क्या करना है, उनके प्रॉपर रूल्स को सही स्टेट्स के साथ चैनलाइज करें, है ना। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को भी काम ये है कि डायरेक्ट करें टू सप्लाई द क्वालिटी डेटा फ्रॉम द डिस्कॉम्स, वो क्वालिटी डेटा को कलेक्ट करें और ये देखें कि कब पावर आउटेज हुआ, कब सही क्वालिटी की पावर नहीं मिल रही थी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का भी रोल बढ़ जाता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन का भी रोल बढ़ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते तो यहां पे अगली जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे देख लेते हैं वो, यहां तो कोई न्यूज आइटम नहीं दिख रहा। इंडिया सेंड्स वैक्सीन टू टू कंट्रीज, दो कंट्रीज को वैक्सीन हमने भेज दी है। पहला भूटान को 1.5 लाख वैक्सीन का कंसाइनमेंट चला गया और 1 लाख डोसेस का माले यार मालदीव्स भी चला गया है, तो दैट इज अ गुड थिंग। ट्रेड यूनियंस टू राइट टू ILO, ट्रेड यूनियंस जो है वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लिखने वाली हैं, कुछ भी लिखने वाली होंगी। हमको क्या करना है, हमको ILO के बारे में जानना है। ILO क्या है? ILO इज अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी दैट सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो लेबर स्टैंडर्ड सेट करने वाली एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। 187 मेंबर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1919 में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद इसको बनाने की पहल शुरू की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा रखा गया। 187 मेंबर्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर है, दिस इज यूनिक टू ILO। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉईज तो ये तीनों का एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है। इट इज द ओनली UN एजेंसी टू फॉलो अ ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर लाइक दैट, है ना, याद रखेगा। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इन गुजरात लोटस ईटर्स मंच ऑन जस्ट ड्रैगन फ्रूट। अब यहां पर गुजरात में क्या किया गया है कि एक वहां पे ड्रैगन फ्रूट नाम का फ्रूट था, ठीक है ना, बट सिंस ड्रैगन जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, दूसरी चीज ड्रैगन से चाइनीज का भी थोड़ा फील आता है, मुझे तो चाइनीज का फील आता है ड्रैगन से, है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। दे आर रीनेमिंग द ड्रैगन फ्रूट एज द कमलम, उसको कमलम कहा जाएगा ना, ड्रैगन फ्रूट विल बी रीनेम्ड एज कमलम, और कमलम मतलब कि लोटस के जैसा शेप होता है इसका, इसलिए इसको कमलम नाम दिया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम गुजरात में है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कि आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे US टू रिव्यू द हाउदी टेररिस्ट लेबल। अब हाउदी टेररिस्ट कहाँ के हैं, पहली चीज याद रखेगा ये यमन में है, ओके, जो सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे है ना यमन, वहां पे है। एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है दे विल क्विकली रिविजिट द डेजिग्नेशन ऑफ यमन हाउदी रेबल्स एज द टेररिस्ट, है ना। वहां पे क्या है एक्चुअली, अभी तक US क्या करता है, हाउदी रेबल्स जो है उनको टेररिस्ट घोषित किया है। क्यों किया है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है, क्योंकि आपके जो योर सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अगेंस्ट है यमन के, और यमन के हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट है, इसलिए इंडिया जो आपका आपका जो सऊदी अरेबिया है वो USA का बहुत अच्छा फैन है, इसलिए USA ने फिर उनको खुश करने के लिए ऐसा किया था। बट नाउ जो बाइडेन ने कहा है कि वो हाउदी रेबल्स का जो टेररिस्ट टैग है उसको जल्दी से जल्दी रिव्यू करेंगे, सो दैट इज अ थिंग। DPIIT अनवील्स कंप्लायंस पोर्टल। अब DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज अनवील्ड अ रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल। अब एक रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल बनाया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, एंड ये कहा है दैट दे विल एक्ट एज अ, मतलब कि एक तरीके से कंप्लायंस पोर्टल बनाया है दैट विल एक्ट एज अ ब्रिज फॉर सिटीजन्स इंडस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट। तो सिटीजन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में कंप्लायंस पोर्टल बनाया है ताकि जो बर्डनसम कंप्लायंसेज है उनको मिनिमाइज किया जा सके। इट विल एक्ट एज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ ऑल द सेंट्रल स्टेट लेवल कंप्लायंसेज, है ना। तो ये भी एक पहले टाइप का ही चीज है जो कि DPIIT ने बनाया है कंप्लायंस पोर्टल, तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। पुजारा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हैट्स ऑफ मैन, ग्रेट परफॉर्मेंस, है ना। तो काफी अच्छा मैच था, बट आई थिंक कि दो तीन लोगों को क्रेडिट थोड़ा कम मिला, उनको अपन नाम ले लेते हैं। शार्दुल ठाकुर का नाम लेना जरूरी था, वॉशिंगटन सुंदर का नाम लेना जरूरी था, हनुमा विहारी का नाम लेना जरूरी है, एंड रविचंद्रन अश्विन का नाम लेना जरूरी है इस सीरीज में, देन मोहम्मद सिराज का नाम लेना जरूरी है, ऋषभ पंत का नाम लेना जरूरी है, शुभमान गिल का भी नाम थोड़ा बहुत लेना जरूरी है ना, ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, तो शुभमान गिल का भी नाम अपन ले सकते हैं।
अजिंक्य रहाणे का नाम लेना जरूरी है। तो जिनका नाम कुछ लोगों ने इन लोगों इनमें से कुछ का नाम मिस किया था तो उनका नाम अपन ने ले लिया है ना। बुमराह ऑब्वियस सी बात है, बुमराह का भी नाम लो आप, बुमराह का नाम तो ले ही लो। रविंद्र जडेजा वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, तो रविंद्र जडेजा का भी नाम लेना जरूरी। सो दीज आर द प्लेयर्स एंड जिनका नाम जिनको थोड़ा सा कम क्रेडिट कहीं ना कहीं मिला। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड